दोस्तों, आईपीएल में शामिल हुई नई टीम लखनऊ और गुजरात का खेल किसने नहीं देखा, जहां गुजरात फाइनल में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो लखनऊ, जी हां, वही लखनऊ जो नवाबी अंदाज में चल रही थी, अपने एलिमिनेटर मुकाबले में बाहर हो चुकी है। यह मुकाबला जिसमें आरसीबी एंड फैंस को जीत नसीब हुई, 14 रन के अंतर को लखनऊ कभी नहीं भूल पाएगी, जिसके कारण उसे आईपीएल से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। रजत पाटीदार 112 और दिनेश कार्तिक 37 रन की ताबड़तोड़ पारियों की बदौलत 207 रन के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरे लखनऊ ने मजबूत शुरुआत की, लेकिन निर्धारित 20 ओवर में 193 रन ही बना पाई और परिणाम आपके सामने है। लखनऊ सुपर जायंट्स का पत्ता इस आईपीएल सीजन से साफ हो चुका है। केएल राहुल की कप्तानी वाली इस टीम ने कई गलतियां की और खुद केएल राहुल भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें, इनकी हार के पीछे कई बड़े रीजन हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और साथ ही करेंगे पूरी टीम का एनालिसिस कि कैसे अपना सफर समाप्त कर घर वापसी को मजबूर हो चुकी है लखनऊ। इससे पहले वीडियो को शुरू करें, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और हेट बटन को जरूर दबा दीजिएगा। आईपीएल के इस सीजन में वैसे तो लखनऊ किस दर्जे की टीम है, आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा जा सकता है कि वो पॉइंट टेबल में नंबर 3 पर थी जब आरसीबी से क्वालीफायर में भिड़ी। तो अगर मैं ये कहूँ कि सीजन के हिसाब से वो अच्छी टीम नहीं रही, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि 14 मैचों में से केवल 5 ही मौके ऐसे आए हैं जब लखनऊ को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन कुछ प्लेयर्स पूरे सीजन लखनऊ की कमजोरी बने रहे और वो क्वालीफायर में भी वही बात निकल कर सामने आई। टीम का मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर दिखाई देता है। इसमें स्टोनिस और होल्डर जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो कुछ खास नहीं कर पाते। कुणाल पांड्या भी उसमें से एक ही नाम निकल कर आता है। लखनऊ की टीम ने ऑक्शन के टाइम पे कुणाल को 8.25 करोड़ रुपए की बड़ी रकम देकर खरीदा था, क्योंकि वो उससे एक ऐसा ऑलराउंडर एज्यूम कर रहे थे जो मैच में फिनिशर की भूमिका निभा सके और जरूरत पड़ने पर टीम को जल्दी जल्दी रन बटोर कर दे। लेकिन ऑफकोर्स ही फेल्ड इन दिस। इसलिए टीम की ज्यादातर बैटिंग का भार राहुल, डीकॉक और हुड्डा पर भी था। मनीष पांडे का एको खराब सीजन निकल कर सामने आया। पूरे टाइम वो संघर्ष करते दिखे, लेकिन नतीजा कुछ हाथ नहीं लगा। हार कर बीच में ही टीम ने इन्हें ड्रॉप कर दिया। इसके बाद जैसन होल्डर, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर पे टीम उन्हें 9 करोड़ रुपए खर्चा करके अपने स्क्वाड में शामिल किया, तो आप सोच सकते हैं कि वो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। कुल मिलाकर जितना महंगा और जिन उम्मीदों के साथ लखनऊ ने खरीदा था, वैसा होल्डर नहीं कर पाए। बल्लेबाजी में शायद किसी मैच में ठीक ठाक बैटिंग की भी हो, लेकिन गेंदबाजी में सफल नहीं हो पाए। 12 मैचों में 14 विकेट लिए, वो भी 9.4 की महंगी इकोनॉमी के साथ। ये इकोनॉमी लखनऊ को चुभने ही वाली थी। स्टोनिस को पहले तो रिटेन कर लिया था, लेकिन उसका फायदा टीम नहीं उठा पाई। अक्सर स्टोनिस की बैटिंग ऐसी पोजिशन पर भेज कर रखा जहाँ उनके पास ज्यादा रन बनाने के लिए चांस नहीं था और ना ही वो उनकी बॉलिंग को ठीक से उपयोग कर पाए। वैसे अगर देखा जाए तो ये सभी प्लेयर्स अच्छे हैं और उन्होंने खुद को टाइम टाइम पे प्रूव भी किया था। तो हमारा तो यही मानना है कि शायद टीम मैनेजमेंट ने ही कुछ गलती कर दी जो इनको नहीं कर पाया, और कुछ खिलाड़ियों को रोल समझाने में भी वो काफी नाकाम दिखे। मीन्स लगभग हर खिलाड़ी के पीछे उसके रोल्स में क्लैरिटी का न होना साफ साफ देखा जा सकता है। अब अगर इस टीम के ऐसे पक्ष पर नजर डाली जाए जो आने वाले सीजन के लिए फायदा हो सकती है, तो उसमें कुछ खिलाड़ियों निकल कर सामने आते हैं। वो है केएल राहुल। केएल राहुल हमेशा की तरह बढ़िया सीजन गया है। ऑरेंज कैप तो नहीं मिला, लेकिन 600 से ज्यादा रन बनाए हैं, वो भी 51.35 के एवरेज और 135 के अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। ओपनिंग में वो हमेशा टीम को मजबूती प्रदान करते दिखे। इसके साथ दूसरे जोड़ेदार क्विंटन डीकॉक ने बढ़िया साथ दिया। एक जबरदस्त शतक के अलावा कुछ बढ़िया पारी भी खेली। 36.28 के एवरेज और 148.8 के बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ 15 मैचों में 8 रन बनाए। मतलब दोनों ओपनर की टीम की जान है। एक ने स्ट्राइक रेट को बढ़िया मेंटेन किया, दूसरे ने कंसिस्टेंसी दिखाई है। युवाओं की अच्छी परफॉर्मेंस टीम के लिए प्लस पॉइंट साबित हुई। शुरुआत में आयुष भदौरी का कुछ बढ़िया मैचों में प्रदर्शन, बाद में मोहसिन खान की कमाल की गेंदबाजी, और मैं कहूंगा कि मोहसिन के लिए ये आईपीएल सीजन काफी निखारने वाला साबित हुआ। 8 मैचों में 13 विकेट अपने नाम किए। कुल मिलाकर ये आईपीएल सीजन में इमर्जिंग स्टार भी हैं, और मुझे लगता है कि वो इस साल इमर्जिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत सकते हैं। मार्क वुड के जाने के बाद उनकी कमी नहीं करने दी टीम को। कारण दुश्मनता चमीरा, जिन्होंने पूरे सीजन अच्छी और किफायती गेंदबाजी की। आवेश खान 13 मैचों में 18 विकेट, बढ़िया परफॉर्मेंस, और रवि बिश्नोई का प्रदर्शन भी एवरेज से कहीं ऊपर के दर्जे का था। दोनों खिलाड़ी दमदार हैं और मेन चीज है कि दोनों युवा हैं, मींस भविष्य में टीम इनका फायदा उठा सकती है। तो दोस्तों, पूरे सीजन लखनऊ ने बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी और बढ़िया फील्डिंग का नजारा पेश किया, लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से आरसीबी के सामने उसे घुटने टेकने पड़े और आईपीएल में अपना सफर समाप्त करना पड़ा। वैसे इस टीम के बारे में आपका क्या मानना है और इस टीम से आप भविष्य में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कॉमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और आईपीएल से रिलेटेड किसी भी वीडियोज के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही अगली वीडियोज को देखें। मिलेंगे इसके बाद एक और वीडियो में।